माई फ्रेंड दिलजीत यूज टू लव दिस काइंड ऑफ कोल्ड। ठंड में हम लोग बंकर में पहुंचते ही कैरोटर के सामने अपना हाथ जमा कर लेते और वो पगला अपनी कॉम्बैट जैकेट निकाल कर अपनी इनर में 200 पुशअप मारता था। बंदा बोलता था, पाजी योलो, यू ओनली लिव वंस। ही वॉज अ फार्मर फ्रॉम चंडीगढ़ एंड आई वॉज एन इंजीनियर फ्रॉम मुंबई। वो हसमुख था, मैं इंटेलेक्चुअल, दोनों बड़े अलग किस्म के इंसान थे, बट वी वर यूनाइटेड बाय वन कॉमन थॉट, टू सर्व, टू प्रोटेक्ट एंड टू ले डाउन आवर लाइव्स फॉर दिस ब्यूटिफुल सेक्युलर इंक्लूसिव एंड डाइवर्स कंट्री, दृढ़ता और वीरता के साथ। एनडीए में भी एक ही क्लास में थे, एक ही ड्रिल सर्जेंट से लात खा खा के फौजी बने, और फिर हमारी पोस्टिंग भी साथ ही में हुई। यहाँ बारामूला के 46 राष्ट्रीय राइफलर्स बटालियन के ब्रावो कंपनी में। तो एक साल पहले की बात है, वी वर पोस्टेड टू पेट्रोल अ चेक पॉइंट एट अराउंड 3 AM। इट वॉज -12 डिग्री सेल्सियस एंड इट हैड बीन स्नोइंग कंटिन्यूसली फॉर 16 आवर्स स्ट्रेट। लेकिन हमारी ट्रेनिंग की वजह से हमने सब सरहदें पार कर ली। फिर दिलजीता मेरे पास आके बोला कि पाजी, ऐसी ठंड में सिगरेट पीने का मजा ही कुछ और है, पिएगा मेरे नालिक? मैंने हंसते हुए अपनी सिगरेट की पैकेट निकाली, लेकिन ठंड से हाथ सुन में पड़े थे तो पैकेट मुझसे गिर गई। मैं ज़मीन से पैकेट उठा नहीं चला कि न जाने दिलजीते को क्या चढ़ गया, उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख लिया। मैं बोला, वाह भाई दिलजीते, आज सर को ज़्यादा प्यार नहीं आ रहा। I offered him a cigarette, but he didn't take it. I looked over at him and there was blood on my shoulder where his head was. The howling wind had made it impossible for me to hear the shot. Before I knew it, there was gunfire everywhere, bullets crackling all around us. We went for cover. And we returned fire in the direction of the shots, but due to the continuous snowfall, we couldn't see anything. Backup arrived 5 minutes later and we made a tactical retreat. Within a week, we carried out an operation in the same area and completely exterminated the threat. Kabhi-kabhi mujhe lagta hai ki अगर उस दिन मैंने उस सिगरेट का पैकेट ना उठाया होता तो शायद उस बुलेट पर दिलजीते के बदले मेरा नाम होता। और एक फौजी के लिए मौत है ही ऐसी एक हमनशीं जो अगर एक दिन हमें भूल जाए तो दूसरे दिन फिर से प्यार से ललचाते हुए हमें फिर से पुकार लेती है। गालिब साहब ने कहा कि मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है मगर नहीं आती। शेक्सपियर ने कहा, द रेडीनेस इज ऑल। और अपना दिलजीता बोलता, ओ पाजी योलो।